अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान खान लाइब्रेरी साइंस के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। आइए शुरू करते हैं ज़रबेस टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये सब हम आज ही पढ़ेंगे। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में कि लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेशन क्या है और क्या होता है और क्या रोल अदा कर रहा है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए आए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो इसमें जो टर्म है वो दो टर्म है, लाइब्रेरी और ऑटोमेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो जो फर्स्ट टर्म है लाइब्रेरी, इसको एक्सप्लेन करने के मुझे कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो जो सेकंड टर्म है दैट इज़ ऑटोमेशन, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑटोमेशन क्या है। तो ऑटोमेशन एक्चुअली क्या है, इसमें जो वर्ड है इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो वर्ड है ऑटोमेटिक, कोई भी काम ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक कैसे होगा, कोई भी काम मीन अगर हम कोई काम किसी मशीन के थ्रू करा रहे हैं, जैसे कि हमने किसी मशीन को इनपुट दिया तो वो मशीन हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, तो ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, तो ये सारा काम मशीन के थ्रू हो रहा है। मशीन मीन्स कंप्यूटर। तो हमेशा याद रखो, कोई भी काम अगर ऑटोमेटिक हो रहा है तो इसमें मशीन का कोई ना कोई रोल है, तो ये ऑटोमेशन में आ जाता है। इसका मैं एक डिफिनेशन क्लियर बताना चाहता हूँ, तो आप इस डिफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द मशीनरीज फॉर एजी वर्किंग एंड सेविंग द ह्यूमन पावर एंड टाइम। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, टाइम और ह्यूमन पावर सेव करने के लिए, ताकि टाइम कम लगना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे हमारी लाइब्रेरीज के अंदर कलेक्शन इंक्रीज होती जा रही हैं। लाइब्रेरीज के अंदर रीडिंग मटेरियल और रीडर बढ़ते जा रहे हैं, तो कम टाइम में हम उनको अच्छी फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कराएं। तो टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो मैन पावर है हमारी लाइब्रेरी में, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए अलग अलग एम्प्लॉयर्स लगाए। ओके, एम्प्लॉयर्स को कम करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, मशीन का यूज़ किया। ओके, मींस हम चाहते हैं कि हम कम टाइम में हमारी अच्छे से अच्छा आउटपुट जनरेट किया जाए। तो दूसरा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन रिफर्स टू यूजिंग ऑफ कंप्यूटर्स टू ऑटोमेट टाइपिकल लाइब्रेरी प्रोसेस लाइक कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन एट्सेट्रा। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन है कंप्यूटर का यूज़ करना। किस लिए यूज़ करना, टू ऑटोमेट द लाइब्रेरी प्रोसेस। ओके, यहाँ पर लाइब्रेरी का जो टाइपिकल प्रोसेस है लाइक कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग में हम लोगों की क्या होती है, कार्ड बनाते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि यूज़र ने कौन सी बुक को इशू किया। तो मैंने यहाँ दो डिफिनेशन को एक्सप्लेन किया पहले ही, ऑटोमेशन क्या है, व्हाट इज़ ऑटोमेशन, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।